में जो वर्तमान परिदृश्य चला है राष्ट्रीय स्तर पर सभी लोगों को स्वास्थ्य सही रहे उसमें जो जो भी राष्ट्रीय स्तर पर कवायद चल रही है उसके तहत आप लोग सब जानते ही हैं कि ट्रेनों को बंद कर दिया गया है। और फिर भी ट्रेन के बाद बंद होने के बाद जो एक ट्रांजेक्शनल फेज़ है स्टेशन से कुछ लोग रुके हैं, कुछ को वापस भिजवाना है, कुछ चूँकि आगरा है और टूरिस्ट थाने की पुलिस के माध्यम से यहाँ पर जो कुछ जानकार फॉरनर्स वगैरह नहीं ना है, अभी आपने देखा हम लोगों ने एक फॉरनर की यहाँ पे चिकित्सीय दल से जांच कराई। तो इस तरीके की परिस्थितियों में जो पुलिस फोर्स है वो इस चीज़ों में रेलवे स्टेशन और सिविल एरिया के बीच में सामंजस्य स्थापित करते हुए किसी भी व्यक्ति को जो मूवमेंट कर रहा है या कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो उसको भलीभांति से पहली बात तो हर तरीके से सुना जा रहा है वो क्यों बाहर निकला हुआ है, क्यों स्टेशन तक आया और कब से स्टेशन पर रुका है, और उनको चेक करा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं वो किसी भी तरीके से संक्रमित है या मानसिक दबाव में है या कहीं से कुछ आया है या किसी भी स्तर पे वो इस वायरस से प्रभावित हो सकता है या उसकी होने की संभावना है या उसकी पहले की मेडिकल हिस्ट्री ऐसी है कि वो उसके लिए वनरेबल है उस डिसीज़ के लिए। तो ऐसे लोगों को हम लोग घूम रहे हैं और लोगों के अंदर आत्मविश्वास बना रहे और लोगों को इससे बचाओ और इसको अपना बचाओ और दूसरे का भी बचाओ हो कि प्रसरित ना हो इस तरीके की चीज़ों के लिए हम लोग लगातार लाउड हेलर के माध्यम से थर्मल स्कैनिंग कराकर और पल्स ऑक्सीमीटर के माध्यम से जो प्रथम दस्तावेज़ जांच हो सकती है उनकी ब्रीदिंग कैपेसिटी वगैरह को देखते हैं। इस चीज़ों के लिए हमारे पास हमारा एक चिकित्सीय दल भी रहता है लगातार साथ में और उस पूरी प्रक्रिया को सामान्यता बिना किसी ही गतिरोध के वो समाप्त हो जाए सकारात्मकता के साथ इसका प्रयास करने के लिए यहाँ पर पूरे पुलिस फोर्स कवायद में है। और इसमें यह भी बता दूंगा कि चूंकि बहुत बड़ा आरपीएफ और जीआरपी का एक कंपोनेंट इस पूरे काम में लगा हुआ है तो उनकी सेहत भी ठीक बनी रहे उसका भी नियमित दोनों टाइम यहाँ पर चेकिंग हो रही है कि हम संक्रमण को रोकें और संक्रमण को फैलने से रोकें। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम सारे सुरक्षात्मक उपाय आगरा स्कैंट पुलिस लाइन जीआरपी आगरा सभी स्टेशनों पे चौकियों पे इसके लिए पूरा चिकित्सीय दल के सहयोग के साथ ये कार्य जो मैंने आपको बताया किया जा रहा है।